हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ प्रेपोजिशंस एंड दिस द इलेवेंथ पार्ट इन दिस सीरीज फिल इन द ब्लैंक्स विद बिटवीन अमंग विद और बाय देखिए आपके सामने ये सारी की सारी ऑप्शंस रखी हुई हैं जो कि सारी प्रेपोजिशंस होती हैं तो अभी हम देखेंगे कि कौन सी प्रेपोजिशन आप कहाँ पर फिल करोगे देखिए नंबर वन देर इज अ चर्च डैश आर हाउस तो यहाँ पर सोचिए कि आपने कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी है इनमें से यहाँ पर आंसर आएगा बाय इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि आप बाय कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हो जब आप बताना चाहते हो कि कोई चीज़ कहीं पास में है तब आप वहाँ पर बाय यूज़ कर सकते हो अब हम देखेंगे नंबर टू सुमितज प्लेइंग डैश फ्रेंड्स तो यहाँ पर सोचिए कि आपने कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी है यहाँ पर आप यूज़ करेंगे विद ओके okay? विद हम कहाँ पर यूज़ करते हैं विद हम यूज़ करते हैं जब आप कहना चाहते हो कि किसी प्रेजेंस में किसी की प्रेजेंस में या फिर किसी की कंपनी में आपने कोई काम किया है ओके okay? या आप किसी चीज़ को यूज़ करके आप कोई काम करते हो जैसे कि आप कहते हो कि आई कट द एप्पल विद अ नाइफ ओके तो इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि विद कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं जिसे आप देख सकते हैं तब हम देखते हैं नंबर थ्री द थीफ वॉज़ अरेस्टेड डैश द पुलिस तो यहाँ पर सोचिए कि आपने कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी है यहाँ पर आएगा बाय क्योंकि हम बाए कहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि किसी पर्सन ने कोई काम किया है ओके किसी के द्वारा वह काम हुआ है जब हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मीनंग होता है उसके द्वारा ओके थीफ जो था वो थीफ यानि कि चोर पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था ओके इस सेंटेंस का मीनिंग ये है तब हम देखते हैं नंबर फोर फोर्थ सेंटेंस है डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स डैश द टू बैगर्स तो यहां पर देखिए टू बैगर्स की बात हो रही है तब हम क्या यूज करेंगे यहां पर यहां पर हम यूज करेंगे बिटवीन ओके बिटवीन एंड अमंग में क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं अमंग हम दो से ज़्यादा लोगों या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और अगर दो ही पर्सनस होते हैं या दो ही चीज़ें होती हैं तब हम बिटवीन यूज़ करते हैं एज अ प्रपोजिशन तब हम देखते हैं नंबर फाइव लास्ट सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन ऑफ दस लोकेलेटी तो यहाँ पर सोचें कि क्या आएगा यहाँ पर हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं जो कि दो से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा यहाँ पर आपने लिखना है अमंग ओके डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन ऑफ दिस लोकेलिटी यानी कि इस लोकेलिटी में स्ट्रीट में जितने भी लोग रहते हैं उनके बीच में उनको स्वीट्स सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दो सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू लेसन थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव डन इट येट थैंक यू